Welcome back to Happy Tinkering. So what you will do today? Last time we have glow 3 LEDs with the help of Arduino. Today we are going to use a 7 segment display, and with the help of Arduino we will display numbers 1 to 9. बहुत सारे बच्चों ने पहले ही ये वीडियो बना के मुझे कल भेज दी है. उन्होंने सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ किया है, कुछ बच्चों ने RGB यूज़ करी है. इंस्टेड ऑफ थ्री डिफरेंट लाइन दे हैव यूज अ सिंगल RGB लाइट, और कुछ बच्चों ने 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी अच्छे से यूज़ किया है. तो आज का आपके लिए क्या होमवर्क है, आप लोग क्या करेंगे, आज Arduino यूज़ करेंगे और 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ करेंगे. जैसे हमारे पास 3 पिंस थी लास्ट की वीडियो में, एक रेड LED से, एक ग्रीन LED से और एक ब्लू LED से. आज की वीडियो में क्या होगा, हमारे पास 3 पिंस नहीं होगी, हमारे पास 7 पिन होगी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की. और अकॉर्डिंगली अगर हमें 1 डिस्प्ले करना है तो कौन कौन सी पिन हाई होंगी, 2 डिस्प्ले करना है तो कौन कौन सी पिन हाई होगी और कौन कौन सी लो होगी, अकॉर्डिंगली हम लोग चूज करेंगे और उस तरह से 0 to 9 नंबर को 4-5 सेकेंड डिले करके हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे. सिंपली क्या करना है आपको, बेटा आज नेट नहीं है, मेरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को. आप लोगों को सिर्फ एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले लेना है, एक Arduino यूनो, और एक हमें लेना है रजिस्टर जो होगा 220 किलो ओम का और 1 किलो ओम. और फिर आपके पास होंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले का एक नेगेटिव और 7 पॉजिटिव, या फिर 7 पॉजिटिव और एक नेगेटिव. आप एक रजिस्टर यूज करेंगे और 7 सेगमेंट को Arduino की अलग अलग पिन पर ज्वाइंट कर देंगे. और फिर हम एक स्क्रैच ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम लिखेंगे या टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम लिखेंगे और नंबर्स के हिसाब से 7 सेगमेंट डिस्प्ले का पर्टिकुलर सेगमेंट को ग्लो करेंगे, मींस हाई करेंगे, और बाकी सेम टाइम में बाकी जो सेगमेंट है वो सब लो रहेंगे. तो इस तरह से आपकी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो कोई 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 5 सेकेंड के हिसाब से 0 to 9 तक सारी डिजिट्स को प्रिंट करेगी. तो ठीक है, ये बनाइए आज का प्रोग्राम और सेंड कीजिएगा एक वीडियो बनाकर. और फिर कल पढ़ते हैं हम लोग हाउ टू यूज स्विच इन Arduino.